आप लोग देखेंगे बता नहीं पा रहे हैं। मेरे जीजू साड़ी में दिखाते हैं हम लोग, देखना जो बांस है आप लोग देखिएगा मजा आ जाएगी। देखिए कितनी सारी नाव है, ये देख जा रही है, देख यहाँ से यहाँ लोग नहाते हैं ना सब लोग, इतनी इतनी सारी नाव चल रही है, लोग घूम रहे हैं नाव बैठे, इतनी सुंदर सुंदर नाव और ये घाट है, यहाँ से लोग नहाते हैं। देखो पीछे सीढ़ी दिख रही है, यहाँ से सब लोग नहाते हैं और पानी काफ़ी दूर चला गया है, सीढ़ियों से दूर आना पड़ता है। इतनी सारी नाव चल रही है, साहिल गुस्सा हो रहा है कि मेरे को नाव में नहीं बैठा लगा बोलो टाइम हाँ तो तुम भी बोलो। साहिल सुबह कह रहा था मम्मी मैं वहीं पर नाव मेरे जाओ नाव। साहिल को बड़ी खुशी होती है नाव पे नहीं बैठा, हम लोग जा रहे हैं घूमने। देखो ये छीनाव लग रही है, कहाँ पे बैठे उधर यहाँ पे उधर बैठे ना तो उधर से दिखेगा है ना, दिखाते हुए जाएंगे ना स्टीमर में। देखो गंगा जी मैंने पहली बार नाव में गंगा जी नहीं बैठ रही, मैं एक बार बैठ चुकी हूँ। अंकल जी को भी दे दूंगा सर, जिसके फायदे को जरा कितना खुश हो रहा है। मैंने बुलाया था कि मेरे को
नाव पे नहीं बैठा रहा है। अंकल जी आ जाए सर, कितनी सारी नाव, कितनी सुंदर लग रही है सारी सजी हुई। देखो पंडित जी बन गए शायद, तो मम्मी ये जरूर लगवा देना मेरे, वो अपने आप लगा दी। वो जिसके अंदर झुक झुक के छू रहे थे। अरे बिल्कुल नीचे को थे ना। अंकल जी आप नाव से जाते हैं क्या घर? कहाँ घर भैया, सब कुछ मेरा यही है, यही रहते, यही अपना रहना, यही अपना खाना, यही सब कुछ करना। खाना कहाँ बनाते हैं? लेकिन पानी की बहुत अंदर तक जा सकते हैं। खा लो इसकी पानी आती है, पानी आप जो जाना के भाई आओ। हाँ भैया इधर लो, कितने लोग किराना देना। वही तो चलाते हैं। और बढ़िया मेहनत रहता है। सहल आई मजा है, सहल पागल का देखने चले, हर बात अलग है। पानी लिया हम लोगों ने, घूम लिया नाव पे। साहिल पहली बार नाव पे बैठा है। अरे पापा बैठा दो बैठा दो, वहाँ चलोगे? वहाँ पे बैठा ला है। कौन वाली थी ये, मोटर वाली? स्टीमर। साहिल को मजा आ गई, मजा आई। साहिल कल से बजा तो मेरे टीका लगवा दो, टीका लगवा। कितना अच्छा पीछे सारा पीछे, पीछे पूरा बना हुआ घाट, मजा आ गई। मैं भी पहली बार आई हूँ घूमने यहाँ पे,
और बोलती थी परमट कहाँ है परमट कहाँ, मेरे को भी भोले बाबा की मंदिर जाऊँ, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आके मंदिर में जा गई। थोड़ी भीड़ थी, जबरदस्ती हम लोगों ने दर्शन किया। बकरी फिर से आ गई, मार दी किसी। और वीडियो तो बनाना छोड़ो, खुद ही को मुश्किल पड़ा था अंदर जाना। मजा आ गई पानी में, तो देखते हैं जब पूरा पानी यहाँ तक आ जाता। अभी तो बहुत दूर पानी चला गया, बहुत दूर पानी चला गया, वहाँ पे नहाने जाना पड़ता है। वो बंदर साहिल दूर रहना, उससे हारा है ना, उससे ना बोल काट लेगा। दे दे बिस्किट, नहीं वो काट ना ले। अरे बहुत सारे आ जाएंगे पागल, ये को देख भाई, कुत्तों को देख। अरे कितनी सुंदर पिल्ले चल, पापा निकल गए क्या? निकल गए पापा, मजा आ गई घूम के। मेरे साथ भी चलो ना, आगे आगे चलते हैं। ले सकते लगाना, सुबह से लगा पता ये जब बांध रहे थे ना तो पत्ते नहीं, मैं सोचा रहे पैसे मांगे हैं तो एक रुपये भी लगे हैं मेरे पास क्या था। छोटा था बाबा चलोगी क्या? हो सकता है पूछेंगे ना फोन करके, होगा होगा तो हर जाएंगे। हम लोग घूम के आ गए हैं परमट भोले बाबा मंदिर से। और देखो साल अपने माता दिखा, ये देखो ये इतना पीछे पड़ा था, कल परसों से पीछे पड़ा है। मम्मी वहाँ चलेंगे तो मेरे वो मत्थे पे लगवा देना, मत्थे पे लगवा देना, बिना बोले वहाँ पंडित जी ने लगा दिया। मेरे भी बोल रहा था आपकी भी लगा दो, मैंने कहा नहीं 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 मेरे टीका लगा दो मत्थे पे का। और हम लोगों के कलावा भी बांधा था एक पंडित जी ने, साहिल की भी बांधा था, मेरे भी बांधा था, दोनों लोगों के। मजा आ गई घूम के। अब पहले मंदिर घूमे तो मंदिर में इतनी ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई थी, क्योंकि होता है ना कहीं कहीं मंदिर पे अलाउ नहीं होता है, तो थोड़े ही बहुत बना पाए हैं। और लेकिन गंगा जी की ज़रूर बना लिया था थोड़ी, पर वहाँ भी ज़्यादा नहीं बना पाए हैं, इसलिए कि वहाँ से मेरे को जल्दी भागना था, क्योंकि भतीजी का मुंडन भी था तो मुंडन पे जाना था बारह देवी, तो वहाँ से जल्दी जल्दी आए सीधा बारह देवी। मेरे को स्टीमर में बैठ के बहुत मजा आया। स्टीमर बोलते हैं इसको, मोटर पहली बार सुना, तो स्टीमर वाली स्टीमर स्टीमर वाली मोटर लगी होती है, स्टीमर वाली नाव पे बैठे थे, वो नाव होती है ना डंडे वाली, वो हिलती है, तो पापा साहिल के बोल रहे हैं साहिल डरे उस पर कि हिल रही है बीच पे जाएगी बीच गंगा जी में, तो डरे ना, तो स्टीमर वाले में हम लोग बैठे थे। लेकिन हम ही तीन लोग थे तो उन्होंने हम ही तीन को घुमा दिया था, और कोई बैठ नहीं रहा था उसमें, डंडे वाली ज़्यादा बैठ, क्योंकि उसमें 50 लग रहे थे और डंडे से जो कर रहे थे उसमें 30।
लेकिन मजा आ गई ना साहिल। साहिल बोलता मम्मी पहली बार मैं बैठा हूँ, मैं पहली बार बैठ रहा हूँ, मम्मी मेरे को घुमा दो पापा, बैठा लो पापा। बोलते चल ठीक है तुम्हें घुमा देते, कैसी होती है नाव, कैसी चलती है। फिर हम गंगा पीने को पानी बोतल में ले गए थे, वो बोतल देखो ये बारह देवी से लाया था। बारह देवी की वीडियो आप लोगों को अलग से देखने को मिलेगी, इस पर नहीं मिलेगी क्योंकि वो अलग से है। तो वो अलग से आपको देखने को मिलेगी, अलग से जाएगी आपके साइड। हाँ आप लोगों के पास वो अलग से पहुँची। हम लोगों ने आज मस्ती बहुत की, बढ़िया घूमे हैं, थोड़ा बहुत मस्ती किए हैं गंगा जी में। और ये था कि जाने को मिलता नहीं है तो वीडियो इसलिए कम भी बनाए थे, मस्ती भी करते रहे थे और मज़ा आ गई भोले बाबा के दर्शन करके। कल जाते तो बाप रे बाप, कल तो हम लोग मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी, लौट आती ना जा पाती। आज भी थी भीड़, तो इतनी भीड़ थी कि आज मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी जाने को, लेकिन पापा जाओ 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 ज़बरदस्ती भीड़ में जाके मैंने दर्शन किया। क्योंकि भीड़ में जाती हूँ तो मुझे उलझन होती है, देखे कि दूर से उलझन होती है तो जाने में कितनी उलझन होती होगी। लेकिन घुस नहीं रहे थे, नीचे को शिवलिंग, वो शंकर जी की शिवलिंग होती है ना, तो छोटी सी है तो सब लोग झुके हुए थे, तो हम लोगों को लग रहा था कि कहीं नीचे झुक के कुछ निकाल रहे हैं। जब वहाँ पे देखा अरे शिवलिंग नीचे, शिवलिंग दिख नहीं रही थी, वो बिल्कुल ऐसी बनी थी ना। मजा आ गई हम लोगों को घूम के। और तो आई लोग, हम लोगों की वीडियो अच्छी लगे भोले बाबा की तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताना। हर हर भोले, भोले बाबा गए थे तो वहाँ की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी कि नहीं, दिल के राज खोले। मजा आ गई हम लोगों को, नाव में भी घूमे और पीने को पानी बोतल में ले गए थे, वो पानी हमने थोड़ा ही बहुत पिया और ऊपर से पिया था, जूठी बोतल नहीं की थी। फिर उसका पानी खाली किया, गंगा जी का पानी लाए क्योंकि घर में लगता रहता है ना, तो मजा आ गया। नहीं पाया, पहली बार गई हूँ, कम से कम 18-19 साल हो गए हम लोग कानपुर में। बस यही रहता था कि कहाँ परमाट परमाट में भोले बाबा का मंदिर किस जगह है, कहाँ है, इतना लोग क्यों वो करते हैं, बहुत ज़्यादा वो है क्या, फेमस क्या है, वो मानता वानता लोग बोला करते थे। परमठ के मंदिर गए थे भोले बाबा के, परमठ के मंदिर गए थे भोले बाबा की, तो मैं हम लोग सोचा करते थे कि कहाँ हैं कैसा है, बहुत लोग जाते हैं बहुत लोग करते हैं। कल भी तैयार हुए थे, जैसे पता चला कि आज शिवरात्रि है तो नहीं गए थे, उनका नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे भीड़ में। आज भी बहुत भीड़ थी तो हम लोग इतनी नहीं थी, लेकिन शिवलिंग के पास तो थी ना, जा नहीं पा रहे थे, कल होगी। लेकिन वो नाव वाले बोल रहे थे कि मैं छोटा तो बहुत ज्यादा रहेगी, मैं छोटा सा था तो पैर वैर को बीच से घुस के नहीं छू लिया। मिल गए थे दर्शन। साहिल बहुत दिनों से पीछे पड़ा, मम्मी कब जाएंगे कब जाएंगे, लेकिन अब बिट्टू भैया आएगा तो फिर से जाएंगे हम लोग। अब छोटा सा था, लोगों के पैरों के नीचे से घुस घुस के छू लिया था। बिट्टू भैया आएगा तो बिट्टू जाएंगे, और कहाँ जाएंगे, क्या नाम है, गंगा बैराज में वो बांध बना है, अटल घाट बना, बस घूमने जाते हैं लोग। मूर्ति बनी है वहाँ पे, बांध बना है, अटल घाट, अटल घाट में लोग जलाते हैं, घूमने के लिए बना, नाव वहाँ चलती घूमते हैं लोग। तो जब बिट्टू भैया आएगा तो उसमें क्या आई सब, बस बांध देख लो। दोस्तों वीडियो को यही एंड कर रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताना। भोले बाबा के दर्शन करके आप लोगों को कैसे लगे, क्योंकि भोले बाबा के दर्शन तो करा ही नहीं सकते थे क्योंकि मना भी होता है किसी भी मंदिर पर जाना, जाके मूर्ति को दिखा नहीं सकते, अच्छी बात नहीं होती। ओ बाय बाय।